नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है, आपके विचार से मा ग र ग्र रो ग अ। दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों क्यों कहा गया है, या देखिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हुआ। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में 625 जिलों में कार्य करने का अधिकार से संबंधित कानून बनाया है। इस कानून को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। दोस्तों कौन सा जी, इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण सॉरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका प्लेटफॉर्म इस कहते हैं। इसके अंतर्गत वे उन लोगों को जो कार्य करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है, बस सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। इसीलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को काम का अधिकार कहा जाता है या कहा गया है। तो दोस्तों आज को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।